नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं डेली गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हर एक जानकारी, हर एक गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड आंसर की रिजल्ट से जुड़ी हर एक जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं SSC CHSL यानी 10+2 की 2019 की जो भर्ती है उससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण सूचना कि उसकी ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट है वो आ चुकी है। तो इससे जुड़ी हर एक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं डेली ऐसे ही गवर्नमेंट अपडेट्स। तो चलिए बिना आपका समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, क्या इसकी योग्यता रखी गई है। तो आपको बता दें कि इसकी योग्यता रखी गई है 12th पास विद एनी स्ट्रीम, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से जो बंदा 12th पास है वो इसकी एग्ज़ाम दे सकता है, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, किसी भी स्ट्रीम से जो 12th पास है वो इसकी एग्ज़ाम दे सकता है। यानी इसकी एलिजिबिलिटी रखी गई है 12th पास विद एनी स्ट्रीम। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जनरल और OBC के लिए 100 रुपये रखी गई है, और जिस भी कैटेगरी की फ़ीमेल्स हैं उनके लिए इसकी एप्लीकेशन फ़ीस 0 रखी गई है, और SC ST और पैरा हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए भी इसकी फ़ीस जो है वो 0 रखी गई है, जो हर साल रखी जाती है। अब इसके सिलेबस की बात करते हैं कि इसका सिलेबस में क्या क्या आता है। तो इसके सिलेबस में मैथ्स पूछी जाती है, जनरल अवेयरनेस से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग और इंग्लिश से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये है इसका सिलेबस, इन 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 सब्जेक्ट्स के टॉपिकों में से जो है वो इसके क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। अब बात करते हैं इसकी एडवर्टीजमेंट डेट की, यानी इसकी इसका जो नोटिफिकेशन है वो 19 जनवरी 2019 को जारी कर दिया जाएगा। बाकी जितनी भी जानकारियां हैं, क्या इस भर्ती के दौरान बदलाव होंगे, क्या मतलब इसकी एग्ज़ाम डेट है, एडमिट कार्ड डेट है, सारी जानकारी जो है वो 19 जनवरी 2019 को जो आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके माध्यम से आपको दी जाएगी। तो अब इसकी बात करते हैं लास्ट डेट की, यानी इसकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 18 फरवरी 2019 रखी जाएगी, यानी 18 फरवरी 2019 तक इसके आवेदन भरे जाएंगे। तो इसकी जो बाकी जानकारियां हैं, एडमिट कार्ड की डेट, रिजल्ट की डेट, सारी जानकारी आपको 19 जनवरी 2019 को दे दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कैसी लगी आज की जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।